अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला पीनट नमकीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। ट्रिक्स एंड टेक्निक हमने बीच में बताते रहेंगे और हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैं एक आपको खा के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने जो मूंगफली के दाने लेना है वो कच्ची मूंगफली लेना है। साथ ही हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए। कॉर्नफ्लावर हम 2 चम्मच लेंगे। ये देखिए बड़ा चम्मच है मेरा, छोटी चम्मच के हिसाब से 3 चम्मच ले लीजिएगा। यहाँ हल्दी लिया है, मिर्च लिया है और नमक लिया है। थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे, आमचूर पाउडर, क्यों ना फ्लेवर किस लिए हम इसमें थोड़ी सी हींग भी ऐड कर दें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा हींग भी ऐड करूंगी और यहाँ मैंने रेड फूड कलर भी डाल दिया। इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। हमने इतना पेस्ट तैयार करना है कि जो हम मूंगफली का दाना डालें तो उसमें एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। देखिए पेस्ट तैयार हो चुका है हमारा। आगे हम इस स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक बाउल, उसमें लिया है सूखी मैदा तकरीबन 3-4 चम्मच, इससे ज़्यादा कप, 1 कप ले लीजिए। एक पैन ले लीजिए, उसको उसमें ऑयल डाल के उसको हीट करिए। पहले अच्छा सा हीट कर लीजिए, फिर उसको बिल्कुल लो में कर दीजिए। मूंगफली हमने कच्ची यूज़ करी है जैसे कि मैंने बताया था, और मैंने इसमें डाल दिया मिक्सचर में। ठीक है, अब क्या करना है हमने, आप एक चिमटी की मदद से या भी कैसे हाथ से करना चाहे हाथ से भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, एक प्लकर की मदद से मैंने इनको मसाले में डिप करा और ऐसे करके और मैंने मैदा में डाल दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको 2-3 तरीके की का कोटिंग बताऊँगी कि इस तरीके से कि एक स्पून की हेल्प से इसमें इसको चला दिया। अब हमने इस तरीके से ऐसे ऐसे करके झाड़ दिया और एक्स्ट्रा जो होगी वो निकल जाएगी और ऑयल में डाल दिया। मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि आपने छलना लेना है और छलने से मैदा छान के ऐसे भी डाल सकते हैं। और मैं एक और तरीका बताने जा रही हूँ आपको, वो भी बहुत इजी है। जैसे इस तरीके से आपने हाथ में से लेके नमकीन को डाला, इस तरीके से आपने पहले डाल दिया सारे मूंगफली के दाने, सारे डाल दिए इसके अंदर और आपने मैदा का बाउल उठाया और टॉस कर दिया। सी, टॉस करने से ये होगा सबकी कोटिंग चली जाएगी। और इस तरीके से आपने उठाया, झाड़ा, आपको लगा कि थोड़ा गीला है तो आपने सूखी मैदा और डाल के इस तरीके से आप बड़ी सी कोटिंग कर सकते हैं। ये अच्छी कोटिंग हो गई है देखिए, और बहुत बड़ा सा दाना नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने और तैयार कर रखा है। मैं आपको और बता दूं कि इस तरीके से आपने एक और स्टेप बता दूं मैं आपको कि हमने मूंगफली के दाने लिया और एक किसी भी बारीक छन्नी की मदद से इस तरीके से निकाला और ऐसे करके छान लिया। तो 3 तरीके ये हैं, किसी भी तरीके से आप निकाल के, मतलब आपने सूखी मैदा से इसे अलग कर देना है। मैं इसे थोड़ी देर डालूँगी ताकि जो सूखी मैदा है वो झड़ जाए और हमारा पीनट में मसाला ही रहे और ये ड्राई ड्राई लगे। देखिए नमकीन तो बहुत मज़ेदार बनने वाली है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है क्योंकि पीनट बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। इसलिए आपने इसे इस तरीके से ध्यान रखना है कि हल्की आंच पे ही आपने इसको फ्राई करना है। कोटिंग बहुत अच्छी हो गई है, अब मैं इसे एक प्लेटिंग में निकाल लूँगी। देखिए आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा।
और इसको एक प्लेट में हमने निकाला है ताकि ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए। फिर तो उसके बाद हम इसमें मसाला लगाएंगे और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसमें रख देंगे। तो नमकीन हमारी सूख गई है यहाँ पर, मतलब ड्राई हो गई है, गर्म नहीं है। और अब मैं इसमें मिलाने जा रही हूँ चाट मसाला। सिर्फ मैं एक चम्मच चाट मसाला डालूंगी, और क्योंकि मैंने अंदर इसमें बहुत कुछ डाल रखा है इसलिए मुझे सिर्फ ऊपर से चाट मसाला डालने की ज़रूरत है। और नमकीन हमारी तैयार हो गई है, मूंगफली की नमकीन। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा। और इसकी क्रिस्पीनेस की तो वाह वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। चैनल के साथ बने रहिए।